यार मेरे को ना YouTube पे काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहा है कि कोई हॉरर स्टोरी पे वीडियो बनाओ। तो आज की वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जापान की एक हॉरर स्टोरी के बारे में। तो यार हमारी आज की हॉरर स्टोरी होने वाली है एक ऐसे पर्सन की जो काम कर रहे हैं टोक्यो में, नॉर्मल सैलरी मैन है, बट इनके बारे में एक स्पेशल बात ये है, ये एक जापान की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। सेम कंपनी में ये काम कर रहे हैं फॉर 15 ईयर्स, एंड क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो कंपनी में कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो ये ट्रैवल करते हैं जापान के डिफरेंट पार्ट्स में ताकि ये प्रोजेक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन दे सकें कस्टमर को। एंड हमारी जो मेन स्टोरी है वो भी यहीं से शुरू होती है। यामादा सान को एक रिक्वेस्ट आती है कि हमें कस्टमर से एक प्रोजेक्ट आया है जिसके लिए आपको 2 डेज़ के बिजनेस ट्रिप पे ट्रैवल करना पड़ेगा टू शिजोका एरिया। तो यामादा सान अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं एंड नेक्स्ट डे टोक्यो स्टेशन पे जाके वो लेते हैं शिनकानसेन टू ट्रैवल टू शिजोका प्रीफेक्चर्स। शिजोका पहुँचने के बाद एक होटल में चेक इन कर लेते हैं जहाँ पर वो अपना लगेज रख के जो उनको ज़रूरत का सामान होता है वो सेपरेट बैग में शिफ्ट करके कस्टमर की कंपनी में चले जाते हैं। कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचने के बाद यामादा सान अपनी प्रेजेंटेशन कस्टमर को दे देते हैं। यार जापानीज कंपनीज में ना वेंडर कोशिश करते हैं ज़्यादातर कि अगर वो कस्टमर के पास जा रहे हैं तो उनके साथ लंच या फिर डिनर पे जाएं, क्योंकि यामादा सान का वहाँ पर बिजनेस ट्रिप था 2 डेज़ के लिए। तो उन्होंने कस्टमर से बोला कि अगर आप इस एरिया के पास में रहते हो तो मीटिंग ख़त्म होने के बाद हम बाहर चलते हैं थोड़ा डिनर करने, बिकॉज मेरे को इस जगह के बारे में ज़्यादा पता नहीं। तो कस्टमर ने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं काम ख़त्म करूँगा 6:30 पे एंड अभी आधा घंटा बचा हुआ है, सो आप पहले जाके अपने होटल में कपड़े चेंज कर लो एंड आफ्टर दैट हम मिलते हैं इस स्टेशन पे। एंड जो टाइम उन्होंने डिसाइड करा होता है कस्टमर के साथ उस टाइम पे वो स्टेशन पे पहुंच जाते हैं अपने कपड़े चेंज करके एंड जो उनका काम का सामान था वो भी वापस रख देते हैं। फिर वो रेस्टोरेंट देखते हैं पास में कौन सा है, तो उनको एक अच्छा जापानीज रेस्टोरेंट मिलता है जहाँ पर वो जाते हैं कस्टमर के साथ एंड वहाँ पर जाके अच्छा सा अपना डिनर कर लेते हैं। यामादा सान को ना ड्रिंक करने का काफ़ी शौक था तो वो कस्टमर से पूछते हैं कि वुड यू लाइक टू हैव सम ड्रिंक। तो कस्टमर बोलता है कि यहाँ की ना वाइन काफ़ी फेमस है। एक्चुअली ना यामादा सान को ड्रिंक करने का काफ़ी शौक था पर वो थोड़ी सी ड्रिंक करके ही ना उनको चढ़ जाती थी। तो यामादा सान कस्टमर को इम्प्रेस करने के लिए एक वाइन की पूरी बॉटल मंगवा लेते हैं एंड वहाँ पर वो कस्टमर के साथ वाइन पीते हैं। तो जब वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं ना, खाना खाते खाते वाइन वो थोड़ी ज़्यादा पी लेते हैं, यामादा सान को थोड़ी चढ़ जाती है। कस्टमर थोड़े टाइम के बाद वहाँ पर बैठने के बाद बोलता है कि चलो यार खाना खा लिया यहाँ पर, वाइन की बॉटल भी ख़त्म होगी तो मैं आप घर चलता हूँ, बिकॉज मेरे वाइफ एंड मेरे बच्चे मेरी वेट कर रहे होंगे, नहीं तो मेरी वाइफ मेरे को गुस्सा कर देगी। तो ये बोल के जो कस्टमर है वो चले जाता है। तो यार कस्टमर तो चले जाता है वापस एंड यामादा सान जब उस रेस्टोरेंट से बाहर आता है तो यामादा सान को काफ़ी ज़्यादा चढ़ी हुई होती है बट उसका मन नहीं भरता अभी भी एंड वो सोचता है कि चल यार मैं किसकी बार पे चले जाता हूँ। तो यामादा सान को एक पास में ही बार दिखता है, वहाँ पर यामादा सान जाने लग जाता है। तो यामादा सान ना अपने वाइन के ग्लास में वाइन भर लेता है एंड वहाँ पर पीने लगता है। उतने में ही बाहर से एक जापानीज बंदा आता है जो यामादा सान की साथ वाली चेयर पे बैठ जाता है। यामादा सान देखता है कि एक और बंदा आया है तो यामादा सान उसको पीछे मुड़ के आवाज़ मारता है कि मेरे साथ ड्रिंक करोगे तुम, तो वो बोलता है कि अरिगातो गोज़ाइमास इतना की मास। तो यामादा सान वेटर को बोल के ना एक और ग्लास मंगवा लेते हैं। उसका ग्लास भरने के बाद यामादा सान उसके साथ चीयर्स करते हैं, दोनों एक सिप लेते हैं एंड अपना गिलास रखते हैं। उसके बाद यामादा सान अपने बारे में बताने लग जाते हैं कि मैं ऐसे टोक्यो में रहता हूँ, अभी यहाँ पर कस्टमर से मिलने आया हूँ, आप क्या करते हैं। वो बंदा ना थोड़ा सा अपने फेस से परेशान सा लगता है तो वो बताता है कि मेरी यहाँ पर कंपनी है, मैं ऐसा ऐसा काम करता हूँ। तो यामादा सान उससे पूछते हैं कि क्या वो आप थोड़े से परेशान लग रही हो, कोई टेंशन तो नहीं है, आप इतना स्ट्रेस क्यों लग रहे हो। तो वो बंदा रिप्लाई करता है कि यार मेरी ना कंपनी है एक एंड ऐसी ऐसी अभी प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज ऑफ विच मैं काफ़ी स्ट्रेस्ड हूँ एंड वो स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए मैं यहाँ पर अभी ड्रिंक करने आया हूँ कि यहाँ पर बैठ के अपना रिलैक्स करूँ, थोड़ा सा मेरा माइंड फ्रेश हो जाए आज। तो यामादा सान उससे पूछते हैं कि यार क्या प्रॉब्लम है आपकी, मेरे को बताओ, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूँ।
क्योंकि मेरी कंपनी कंसल्टेंसी करती है, तो हो सकता है कि मैं आपको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। तो वो अपनी प्रॉब्लम बताता है कि मेरी कंपनी में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है इस टाइम पे, एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे को अपनी कंपनी बंद करनी पड़े। यार इतने में ही ना वेटर उनके पास आ जाता है, एंड वो वेटर उनको बोलता है कि यार हमारा ना शॉप का क्लोजिंग टाइम हो गया, सो प्लीज़ अगर आपका हो गया है तो हम अपनी शॉप बंद करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इतने में ही ना यामादा सान उसको रिप्लाई करता है कि हमारा ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, बस हम निकल रहे हैं अपना सामान पैक करके। तो यामादा सान जाने लगते हैं एंड मिस्टर एक्स को बोलते हैं कि थैंक यू सो मच, मैं यहाँ पर नया हूँ एंड आपने मेरे से यहाँ पर बैठ के बातें करी तो मेरे को बहुत अच्छी लगी आपकी कंपनी ना। एंड यामादा सान उठ के जाने लगते हैं जैसे ही, तो मिस्टर एक्स उसको बोलते हैं कि थैंक यू यार, मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस था एंड आपसे बात करके मेरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रिलीज हुआ, सो अगर आप ड्रिंक करना चाहते हैं तो आप मेरे घर पर आ सकते हैं इसके बाद, अभी ये वाली शॉप तो बंद हो जाएगी, तो आज मेरे घर पर चलते हैं एंड वहाँ पर जाके मैं आपको प्रॉपर अपनी डिटेल्स एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि जिस प्रॉब्लम के बारे में आपकी कंपनी अगर मेरे को सपोर्ट कर सकती है तो आपकी कंपनी से मैं हेल्प ले लूँ। तो यामादा सान के मन में थोड़ी सी ना लालच आ जाती है, वो सोचता है कि यार ये तो मेरे को नया कस्टमर मिल गया, अगर मैं वापस जाऊँगा एक और नए कस्टमर के साथ अपनी कंपनी में तो मेरी और ज़्यादा प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यामादा सान उस पर्सन के साथ चले जाते हैं उसके घर पर ड्रिंक करने। मिस्टर एक्स के घर पहुंचने के बाद यामादा सान और मिस्टर एक्स ड्रिंक करते हैं, काफ़ी अच्छे से ड्रिंक करते हैं एंड उसके बाद यामादा सान को इतनी ज़्यादा चढ़ जाती है कि वो बेहोश हो जाते हैं। तो यार जब यामादा सान सुबह उठे ना, तो उन्होंने देखा कि यार उनकी नींद तो होटल के रूम में खुली है। एक टाइम पे वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गए, बट उन्होंने फिर बाद में सोचा जो मिस्टर एक्स है ना, उन्होंने उनको किसी टैक्सी में बुला के उसमें बिजनेस होटल तक भेज दिया होगा, बिकॉज ऑफ विच वो आज अपने होटल के रूम में उठे हैं। तो वो ये सोच के उन्होंने सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करा एंड वो अपने कस्टमर के पास चलेगी एज यूजुअल मीटिंग करने, एंड मीटिंग करने के बाद आज भी उनका शेड्यूल सेम ही रहा, वो कस्टमर के साथ गए एक रेस्टोरेंट पे डिनर करने एंड आफ्टर दैट वो आज भी यही सोच के कि सेम बात पे शायद आज भी मिस्टर एक्स उनको मिल जाएंगे, वहाँ पर गए बट मिस्टर एक्स वहाँ पर नहीं आए थे। तो वो बार में थोड़ी सी ड्रिंक करने के बाद अपने होटल में जाते हैं एंड होटल में जाके सोते हैं एंड एक दो घंटों के बाद उनकी नींद खुल जाती है, उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई बुला रहा है, बट फिर वो सोचते हैं कि शायद मैंने ड्रिंक करी है बिकॉज ऑफ विच ऐसा हो रहा है। वो दोबारा सोने की कोशिश करते हैं, उनको आवाज़ सुनती है दोबारा जैसे कि उनका कोई नींद ले रहा है एंड धीरे धीरे उनको ऐसा लगता है कि उनका हाथ कोई खींच रहा है, उनका हाथ धीरे धीरे ऐसे किसी और डायरेक्शन में जाने लगता है, उनको फील होता है कि समवन इज़ पुलिंग हिज हैंड एंड वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। बाहर निकलते हैं वो अपने बेड से एंड जाके सबसे पहले वो जो करते हैं वो लाइट का स्विच ऑन कर देते हैं एंड दोबारा अपने बेड के अंदर आते हैं, ब्लैंकेट अपने फेस पे ले लेते हैं एंड सोने की कोशिश करते हैं, बट उन्हें नींद नहीं आती। आफ्टर हाफ एन आवर उनको गुगली आवाज़ें सुनना बंद हो जाती है, बट यामादा सान इतने ज़्यादा डर चुके थे कि उनको डर लगता है कि अगर मैं सो जाऊँगा तो मेरे साथ कुछ हो ना जाए। एट द अदर साइड ऑफ हिज ब्रेन ये भी चल रहा होता है कि मैंने आज ड्रिंक करी है, बिकॉज ऑफ दैट ये चीज़ ना हो रही हो। एंड देखते ही देखते यामादा सान को तो नींद आती नहीं, बट मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में वो अपना शावर लेते हैं एंड होटल की लॉबी में ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट करके आज उन्होंने वापस जाना था टोक्यो में, तो टोक्यो में जाने से पहले वो सोचते हैं कि मैं मिस्टर एक्स के लिए एक प्रेजेंट लेके जाता हूँ एंड वहाँ पर उनको अपना बिजनेस कार्ड भी ले लूँगा एंड जो उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस है वो भी ले लूँगा, ताकि जो उन्होंने मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताई थी कंपनी से रिलेटेड, उसके लिए मैं प्रेजेंटेशन बना के उनकी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं एंड अपनी कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट लेके जा सकूं। ये सोच के यामादा सान अपने होटल से चेकआउट करते हैं एंड रास्ते में एक उनको जापनीज़ की सुवेनियर शॉप मिलती है, गिफ्ट शॉप मिलती है, जहां से वो जापनीज़ स्वीट्स ले लेते हैं फॉर मिस्टर एक्स। स्वीट्स लेने के बाद वो चलने लग जाते हैं मिस्टर एक्स के घर की तरफ एंड तब उनके माइंड में यही चीज़ चलती है कि रात को उनके साथ क्या क्या हुआ था। उनको आवाज़ें सुन रही थी एंड उनका हैंड थोड़ा सा किसी ने पुल करा था
यही चीज़ें उनके माइंड में चल रही होती हैं। एंड देखते ही देखते वो मिस्टर एक्स के घर के पास जब पहुंचते हैं, तब वो देखते हैं कि मिस्टर एक्स का जो घर है वहाँ पर लगा हुआ है लॉक। लॉक देख के उनको लगता है कि हो सकता है मिस्टर एक्स बाहर गए हुए किसी काम से। एंड उनको एक पर्सन दिखता है जो मिस्टर एक्स के साथ वाले घर में रहता है। तो वो उस पर्सन से पूछते हैं कि आपके पास मिस्टर एक्स का नंबर है, आई वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट हिम फॉर सम अर्जेंट वर्क। तो वो पूछते हैं यार कौन से मिस्टर एक्स की बात कर रहे हो आप? तो वो बोलते हैं कि इस घर में जो रहते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि ये वाले पर्सन की डेथ हुए को 10 डेज हो चुके हैं। तो वो ये चीज़ सुन के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं एंड वो पैनिक में होके बेहोश हो जाते हैं। यामादा सान को जब होश आती है तो वो देखते हैं कि वो किसी रूम में है एंड कोई बंदा उनके पास खड़ा हुआ है। तो वो पूछते हैं कि दारेरेस का कौन हो आप? तो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करके आप बेहोश हो गए थे, बिकॉज ऑफ विच हम आपको जापान के ब्यूइंग ले आए, मतलब कि जापनीज हॉस्पिटल लेके आए हैं। तो वो जब उठते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं एंड उनका सर भी काफ़ी भारी हो रहा होता है। हॉस्पिटल से उनको कुछ मेडिसिन देते हैं, उनको बोलते हैं कि आपकी हेडेक के लिए एंड आपकी डिजीनेस के लिए वाली मेडिसिन है, इसको 2 दिन के लिए खाना एंड उसके बाद आपको थोड़ा ठीक लगेगा, अभी आप अपने घर वापस जाओ एंड वहाँ पर जाके रेस्ट करो। यामादा सान के माइंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही थी कि ये कैसे हो गया, उनको समझ नहीं आ रहा था ये कि क्या चल रहा है ना। तो सारी चीज़ें क्लियर करने ना एक और बार वो यामादा सान जाते हैं मिस्टर एक्स के घर के पास में जो लोग रहते थे उनके पास जाके ये चीज़ पूछते हैं कि यार प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट मिस्टर एक्स, इनको क्या हुआ था। तो जो उनके नेबर्स थे वो भी यही चीज़ उनको दोबारा बोलते हैं कि यार इनकी डेथ हुए को 10 डेज होगी, इनकी डेथ इसी घर के हुई बिकॉज इनकी कंपनी पे काफ़ी बड़ा डेप्थ आ गया था, बिकॉज ऑफ विच जिनकी टेंशनों के अंदर जो मिस्टर एक्स हैं उनको हार्ट अटैक आया एंड उनकी डेथ हो गई। ये सुन के यामादा सान का पूरा को पूरा सर चकरा गया एंड वो यही सोचते रहे कि यार एक दिन पहले मैं किस बंदे के साथ ड्रिंक कर रहा था एंड उसने भी मेरे को सेम ही स्टोरी बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ एंड मेरी कंपनी अभी डेप्थ में है। यार ये सब सुनने के बाद ना यामादा सान के माइंड पे इतना ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आता है कि आफ्टर ही कम बैक्स टू टोक्यो उनको काम पे उनका ध्यान नहीं लगता, उनको ऐसे लगता है रात को कि जैसे कि कोई उनके पास है एंड कोई उनको बार बार बुला रहा है। उस ये वाले इंसिडेंट के बाद यामादा सान की लाइफ एकदम चेंज होगी। आफ्टर कमिंग बैक टू टोक्यो वो वापस काम पे जाते हैं बट उनसे बिल्कुल भी काम नहीं होता। हिज माइंड वॉज टोटली डिप्रेस्ड एंड वो एकदम एक दूसरी स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। अपने आप को वो एक रूम में बंद कर लेते हैं एंड उन पे इस इंसिडेंट का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है। जब भी उनका कोई फैमिली मेम्बर उनके पास उनको बुलाने जाता है वो रूम से बाहर नहीं आते, वो अपने रूम में ही रहते हैं। अपने रूम से बाहर निकलने में उनको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। यार दिस वॉज द हॉरर स्टोरी जो कि मैंने आज आपको अपनी वीडियो के थ्रू बताई। आई होप कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी ये वाली हॉरर स्टोरी। आई रेड दिस हॉरर स्टोरी ऑनलाइन एंड इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट डाउन व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट डू यू वॉन्ट टू सी इन माई अपकमिंग वीडियोज़। इसी के साथ हम अपनी वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़। आई विल सी यू गाइज़ इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।